हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया की आप सभी को राम राम है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ चुका है दोस्तों बोट स्टोन 352 प्रो ब्लूटूथ स्पीकर। ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, इसके अंदर आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर एंड फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसके अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ 5.3 की टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ आप लोगों को अप टू 12 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिलता है। खैर, जो प्लेबैक टाइम है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि रियल लाइफ में ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है जो कितना चलता है। उसी के साथ साथ IPX5 की आप लोगों को स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंट इस वाले ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिलती है। इस वाले ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि शायद आप लोग को पसंद ना आए। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो कुछ इस तरीके की रिटेल पैकेजिंग के अंदर ये स्पीकर आप लोग को मिलता है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आप लोग को स्पीकर मिलता है। एक आप लोग को टाइप सी केबल देखने के लिए मिलती है, एक आप लोग को ऑक्स केबल देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोग को यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड देखने के लिए मिलता है। ये तो हो गई बॉक्स कंटेंट की बात। फटाफट से बात कर ले हमारे ब्लूटूथ स्पीकर की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा ब्लूटूथ स्पीकर। और अगर आप लोगों से फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो काफी द प्रीमियम एंड काफी द क्लासी बिल्ड आप लोगों को इस स्पीकर की देखने के लिए मिलती है। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोग को पूरा का पूरा फैब्रिक मटेरियल देखने के लिए मिलता है। ऊपर की साइड में आप लोग को हार्ड प्लास्टिक मिलता है। 14 वॉट का स्पीकर आप लोग को यहाँ पर मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को बोट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे साइड की बात करें तो नीचे यहाँ पर आप लोग को बोट की ब्रांडिंग एंड यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल वगैरह मेंशन। सामने की साइड में ये जो व्हाइट कलर का एरिया आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली लाइट ग्लो होती है एंड थोड़े बहुत इंडिकेशन आप लोग को मिलते हैं। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इस वाले स्पीकर का पूरा कंट्रोल सेंटर है। सबसे पहले ये जो येलो वाला बटन आप लोग देख रहे हैं, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। ये जो है वन क्लिक टू प्ले एंड वन क्लिक टू पॉज बटन है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम रॉकर आप लोगों को दिए हुए हैं, आप लोग बढ़ा सकते हैं, आप लोग आवाज़ कम कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग में आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो एम बटन है, इसकी मदद से आप लोग ऑक्स मोड एंड TF कार्ड वाले मोड के अंदर स्विच कर सकते हैं। यहाँ से इस वाले फ्लैप को उठाकर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर चार पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आप लोग एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक आप लोगों को ऑक्स पोर्ट मिलता है, एक आप लोगों को मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ पर में दिया हुआ है। एंड ये जो बटन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को रीसेट बटन दिया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रैप दिया हुआ है इस वाले स्पीकर को कैरी करने के लिए। तो ये तो हो गया स्पीकर का बेसिक ओवरव्यू। फटाफट से हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग इस वाले बटन को होल्ड करके रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो लाइट है वो जो ग्लो होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो लाइट है, यहाँ से आप लोग जो है इस लाइट को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं इस वाले लाइट को चेंज करना। तो अब ये एम वाले बटन को दबाकर आप लोग लाइट के मोड को चेंज कर सकते हैं। एक आप लोग कुछ इस तरीके का मोड इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये जो वॉल्यूम रॉकर है, जैसे ही आप लोग इसको दबाएंगे तब आप लोग देखिए, जैसे जैसे आप लोग आवाज़ को कम कर रहे हैं तब यहाँ पर में जो रेड लाइट है वो भी यहाँ पर में नीचे जाते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आवाज़ कम हो रही है, तो ये इंडिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इस वाले स्पीकर के अंदर। अब फटाफट से हम लोग इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वाले स्पीकर की साउंड क्वालिटी सुनी, जिस प्राइस पर ये आ रहा है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी आप लोगों को इस वाले स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिलती है। 14 वॉट के आउटपुट के हिसाब से अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तब साउंड आप लोगों को लाउड देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बात करें लोस मिड्स और हाइस की, तो तीनों काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस है। अगर आप लोग स्पेसिफिकली बेस लवर हैं तब ऐसे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा डीप एंड काफ़ी ज़्यादा पंची बेस इस वाले स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हम इंडियंस को जैसा बेस पसंद है उस तरीके का बेस आप लोगों को इस वाले स्पीकर के अंदर मिलता है। ओवरऑल अगर आप लोग इसकी साउंड क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तब काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी आप लोगों को इस वाले ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर मिलती है। तीनों चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस मिलती है, चाहे आप लोग बात करें लोस की, चाहे आप लोग बात करें मिड्स की, चाहे आप लोग बात करें हाइस की।
और उसी के साथ साथ इसकी आवाज इतनी है कि अगर आप लोग छोटी मोटी अपने घर में एक हाउस पार्टी करना चाहते हैं तो वो आप लोग इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तब यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि 12 आवर्स तक की बैटरी लाइफ आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर में कंडीशन है कि अगर आप लोग 60% वॉल्यूम पर रखकर इस वाले स्पीकर के अंदर गाने सुनेंगे तब आप लोगों को 12 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग रियल लाइफ कंडीशन में जब इसको यूज़ करेंगे 80% 100% वॉल्यूम पे, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है, आप लोग यहाँ पर मैं इस वाले स्पीकर को कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर बात करें क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट है इस वाले स्पीकर को परचेस करने के, थोड़ा सा दोस्तों स्पीकर जो है मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा है कैरी करने में, तो अगर आप लोग इसको ट्रैवलिंग वगैरह में कहीं पर यूज़ करेंगे तब हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाए। इसके अलावा इस वाले स्पीकर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग इसको परचेस ना करें। अगर आप लोग इस वाले स्पीकर को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एंड उसी के साथ साथ पिन कोड में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली लोएस्ट प्राइस के अंदर आप लोग इस वाले स्पीकर को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों बस ये कुछ कहानी थी बोट स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए मैं इतना ही दोस्तों, मैं फिर चाहता हूँ अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।